पेंडुलमईडू पे आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं हम वर्ड ऑफ द डे में कौन सा वर्ड पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज का वर्ड है वो है स्टम्बल। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज स्टम्बल, एंड ये जो है एक वर्ब है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? स्टम्बल इज अ वर्ब। नाउ लेट्स सी द मीनिंग। द मीनिंग इज ट्रिप, टू वॉक और गो अनस्टेडिली। ऑल्सो दिस इज यूज एज नाउन, ये एक नाउन की तरह भी यूज होता है। एंड इसकी जो एज अ नाउन इसकी मीनिंग है अ मॉरल लैप्स और एरर। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग है ठोकर या फिर गलती, ठीक है। चलिए अब हम इसका यूसेज देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द सडन वीकनेस इन जोजीज लेग्स मेड हर स्टम्बल एंड शी फेल हेवीली ऑन द ग्राउंड। सो जोजी की लेग्स की वीकनेस की वजह से वो एकदम से उसको ठोकर लग गई और या फिर वो गिर गई और धड़ाम से वो ग्राउंड पर गिर गई, जिसकी वजह से उसको ठोकर लगी और वो धड़ाम से ग्राउंड पर गिर गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई स्टम्बल्ड अक्रॉस अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड लास्ट नाइट एट अ वेडिंग। सो बहुत टाइम बाद जो है एक जो खोया हुआ दोस्त था उसके आप उससे मिले, आप गलती से उनसे जो है वेडिंग पे आप उनके सामने आए, ठीक है। चलिए इसके अब हम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट सिनोनिम्स है इसके बम्बल, लिम्प, फॉल डाउन या फॉल्टर। एंटोनिम्स है इसके कंटिन्यू, राइज, स्ट्रेटन एंड गेट अप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने आज का जो वर्ड ऑफ द डे है उसमें वर्ड पढ़ा स्टम्बल। ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ट्रिप, टू वॉक और गो अनस्टेडिली, और नाउन की तरह जो इसका व्हेन यूज्ड एज अ नाउन इसका जो मीनिंग है वो है अमोरल लैप्स और एरर। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रोजाना हमारे वर्ड ऑफ द डे को फॉलो करते रहें। हमारे चैनल पेंडुलमईडू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टू रिसीव एवरी डे नोटिफिकेशंस एंड कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स एवरी डे। थैंक यू।